दरभंगा से बड़ी खबर, मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला। एसएफएल और डॉग स्क्वाड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। मुकेश सहनी के पिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी, एक बड़ी घटना जो कि बीती रात पेश आई है, जहां पर मुकेश सहनी जो कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या उस वक्त हुई जब वो अपने घर में मौजूद थे। देर रात की घटना बताई जा रही है। कई सारे सवाल हैं। जैसे ही घटना घटी, वहां पर आसपास के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिस वहां पर मौजूद है। मुकेश सहनी क्योंकि मुंबई में थे, वो अपने घर के लिए रवाना वहां से हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात है और सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार जो बदमाश इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कैसे उनका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया। आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से बड़ी घटना घटी है और इसको लेकर के लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्योंकि एक पॉलिटिकल व्यक्ति के पिता की हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए कि आसपास के लोगों में कितना भय का माहौल होगा। आपको ये भी बताते चले कि जीतन सहनी जो कि घर पर अकेले रहते थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। दरभंगा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर कि अब इस पूरे मामले में एसआईटी मर्डर केस की जांच करने वाली है। एसपी काम्या मिश्रा की अगुवाई में एसआईटी का गठन हो चुका है। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब एसआईटी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी। एसपी काम्या मिश्रा की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया गया। तमाम पहलू पर इस पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि कई सारी थ्योरीज हैं जो कि इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लूट की वारदात को अंजाम देने की नीयत से बदमाश उस घर में दाखिल होते और उन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। दूसरा थ्योरी जो है वो ये है कि वहाँ पर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, आप परिचित हो सकते हैं, आपसी रंजिश का ये मामला। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल मुकेश सहनी, जिनको सन ऑफ मल्ला के तौर पर भी जाना जाता है, उनके पिता की हत्या से जुड़ी हुई बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरभंगा के घर में उनका शव मिला है। ये उनका पैतृक आवास है। यहाँ पर उनके जो दो पुत्र और बेटी है वो नहीं रहते, यानी कि संतोष सहनी हूँ या फिर मुकेश सहनी, वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। बेटी खुद रहती है महाराष्ट्र में। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी, उसके बाद तमाम जो चेहरे हैं उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी। सहनी को सन ऑफ मल्लाह के तौर पर जाना जाता है। बॉलीवुड में उन्होंने काम किया है, उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है सेट डिज़ाइनर के तौर पर भी। सहनी मूलतः मल्लाह निषाद की राजनीति करते हैं। चुनाव से पहले वो महागठबंधन में शामिल हुए थे, इससे पहले वो एनडीए का हिस्सा भी रह चुके हैं। लेकिन अब मुकेश सहनी से जो जुड़ी बड़ी खबर है वो यही कि उनके पिता का मर्डर हुआ है। इसको लेकर के कैसे बिहार की सियासत गर्म है और क्या कुछ रिएक्शंस राजनीतिक दलों की तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बकसने का संकल्पित है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के। मान्यवर, मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। एक अत्यंत ही
दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं बिहार में। देखिए, हत्या किसी की हो, ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है। और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो विपक्ष कह रहा है कि जब नेता के परिवार वाले सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। सरकार ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।